हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको फैट लॉस कैसे करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत छोटा सा वीडियो होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। और राइट नाउ मैं अभी फैट लॉस कर रहा हूँ, बिकॉज इतना दिन मैं बल्किंग पे था, मसल साइज गेन कर रहा था, तो थोड़ा बॉडी में अभी हल्का फुल्का फैट आ चुका है, जिसके कारण मैं अभी थोड़ा कटिंग करना चाह रहा हूँ। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। तो जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, वीडियो को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सी चीज़ जो अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो यदि आप समझ जाएंगे देन फैट लॉस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको चीज़ समझना है कि हमारे बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरी रहता है। हर किसी के मेंटेनेंस कैलोरी डिफरेंट है। मेंटेनेंस कैलोरी आपके एज, हाइट, वेट, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ कि सपोज आप एक 50 किलो का आदमी है, बंदा है, बंदी, जो भी आप 50 किलो के हैं, तो आपका मेंटेनेंस कैलोरी अराउंड 2000 है। तो जब आप थ्रू फ्रूट जो भी खाना खाते हैं उसमें कैलोरी रहता है। जब खाना खा रहे हैं आप, बाहर का समोसा खा रहे, पिज़्ज़ा खा रहे, रोटी, चावल, सब्जी, मीठा, ऑयल, जो भी खा रहे हैं, तो उसमें कैलोरीज रहता है, खाना में एनर्जी रहता है। और एनर्जी मतलब है कैलोरीज। तो जब आप खाना खा रहे हैं आप अपने बॉडी के अंदर कैलोरीज डाल रहे हैं। और जब आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ऑफिस पर काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप जब सो भी रहे हैं, तो आपका बॉडी कैलोरी बर्न कर रहा है। ठीक है, हम लोग यदि जिंदा रहना चाहते हैं, हम लोग को सर्वाइव करने के लिए हमारा बॉडी कैलोरीज बर्न करता है। तो ठीक है, तो सपोज़ आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, आपका मेंटेनेंस कैलोरी डिफरेंट है। तो यदि आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी को चेक करना चाहते हैं, आप गूगल पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए कि हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरीज, आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं तो आप वेट गेन करेंगे। सपोज आपके मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, आप 2500 कैलोरी थ्रू फूड्स खा रहे हैं, तो आप वेट गेन करेंगे। यदि आप मेंटेनेंस से कम कैलोरीज खा रहे हैं तो आप वेट लॉस करेंगे, फैट लॉस करेंगे। सो जब आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो ये चीज़ टोटल डिपेंडेंट है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। जितने भी प्लांट सोर्सेस हैं उनमें कैलोरीज रहता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज प्लांट सोर्सेज में कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, और कार्बोहाइड्रेट्स मतलब आपके बॉडी के अंदर कैलोरीज जाएगा। तो हम लोग रोटी, चावल, फिर केला, आलू, फिर अपने फूड्स में ऑयल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, फिर हम लोग बाहर का चीज़ जो खाते हैं, समोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, तेल में भुना हुआ चीज़, इनमें इतना ज़्यादा कैलोरीज है आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब आप वो सब खा रहे हैं तो आपका जो कैलोरी इनटेक है, जो आप खाना खा रहे हैं, वो मेंटेन से ज़्यादा उड़ जा रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका बॉडी फैट लॉस करेगा, आपका वज़न घटेगा? आपका तो वज़न बढ़ते ही रहेगा। जैसा खाना आप अपने बॉडी में डालेंगे आपका बॉडी वैसे दिखेगा। तो आपको क्लीन फूड्स खाना है। आप जब वज़न घटाना चाह रहे हैं तो रोटी चावल को थोड़ा कम करना होगा, जितना खा रहे उसका आधा कर दें। अपने खाना में तेल का यूज़ बहुत कम कर दें, बाहर की चीज़ों को खाना बंद कर दें। शुगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुगर का आपको बंद करना पड़ेगा। फिर कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग जो पीते हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। सो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके बॉडी के अंदर कितना कैलोरीज जा रहा है। बहुत सारे लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन वेट लॉस का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी से वाटर वेट घटेगा, फैट का वेट घटेगा, साथ में मसल्स भी चल जाता है। तो वेट लॉस और फैट लॉस सेम नहीं होता है। आपको अपने बॉडी के अंदर जो मसल्स है उसको नहीं घटाना है, आपको अपने बॉडी के अंदर जो मसल्स है उसको मेंटेन रखना है, आपको अपने बॉडी से फैट को हटाना है। तो कभी भी ये चीज़ मत सोचो कि मुझे वेट लॉस करना है, ये चीज़ कहना चाहिए कि मुझे फैट लॉस करना है। तो मसल्स को मेंटेन करने के लिए आपको प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। यदि आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन के लिए आप चना, मूंग दाल, फिर आप सोयाबीन, इसके साथ आप दूध, पनीर, टोफू, ये सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। इनमें आपको कैलोरीज भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, जो आपको बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, और साथ में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप प्रोटीन के लिए चिकन, फिश, एग्स, मीट, ये सारी चीज़ यूज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है जब फैट लॉस करना है कि आपको रोटी, चावल, ये सब कम करना है, और ट्राई करना है कि अपने मील्स में प्रोटीन लेना है। प्रोटीन यदि आप लेंगे तो आपका मसल्स मेंटेन रहेगा, आपका मसल लॉस नहीं होगा। और आप हमेशा कैलकुलेट कीजिए, आपका मोबाइल में प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसा ऐप्स है जहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके अंदर डेली कितना कैलोरीज जा रहा है। आप यदि फिजिकली एक्टिव रहते हो, डेली वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उससे आप कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेंगे, तो क्या होगा, आप फैट लॉस करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप वेट लॉस करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, रनिंग करो,
या एक्सरसाइज करो क्यों कहा जाता है, रनिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए या फिजिकल एक्टिव रहने के लिए क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब आप फिजिकल एक्टिव रहते हो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो। जब आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे आपका क्या होगा, डेली जो कैलोरीज का जो बात आता है वो मेंटेन से कम हो जाएगा, और जब आपका मेंटेन से कम हो जाएगा आप फैट लॉस करेंगे, सिंपल सा बात है। इसीलिए कहते हैं कि फिजिकली एक्टिव रहो, उससे आप कैलोरीज बर्न करेंगे। और हमेशा ये चीज़ ट्राई करना है कि आपको उल्टा फुल्टा चीज़ नहीं खाना है, रोटी चावल को ये सब कम कर दो, आलू को कम कर दो, ऑयल को कम करना है, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना है, हाथ जोड़ना है, ठीक है। जब ऐसी चीज़ आप देखेंगे ना तो आपको हाथ जोड़ना है कि नहीं मुझे नहीं खाना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी फिट रहें। अगर आपके बॉडी में फैट बढ़ता है तो आप बीमारियों को बुलावा दे रहे कि आओ मुझे मारो। आजकल इसीलिए इतना ज़्यादा बीमारी बढ़ चुका है बिकॉज लोग अपना डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे, उल्टा फुल्टा चीज़ खा रहे हैं, हर चीज़ में मिलावट है। तो आपको ये डिसीजन लेना कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जो चीज़ खाने में स्वादिष्ट होता है वो बॉडी के लिए सही नहीं है, और जो चीज़ खाने में सही नहीं है, मज़ा नहीं आता खाने में, वो आपके बॉडी के लिए सही है। तो मैं हमेशा आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप फिज़िकली एक्टिव रहें, उल्टा फुल्टा चीज़ों से दूर रहें और मोटिवेटेड रहें। अगर आप प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं देन आपका हेल्थ सही रहेगा और आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सब हेल्दी रहें और आपके फैमिली मेम्बर्स भी हेल्दी रहें, सबका हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं आपके लिए और ज़बरदस्त कंटेंट्स लाना हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल प्लीज़ बाय, टेक केयर।